हे गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका अपना अमन तिवारी। तो आज हम फाइनली लेके आए हैं रिसेंटली लॉन्च 2023 टाटा नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट। जहां पे अगर बात की जाए, इसमें आपको दो बैटरी ऑप्शन के साथ में इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी, और इसमें आपको क्या क्या खास मिल जाता है तो आज की सारी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। जहां पे सबसे पहले बात की जाए इसके बैटरी की, तो यहां पे आपको दो बैटरी ऑप्शन देखने को मिलेगी, जिसमें आपको यहां पे एक 30 किलो वाट की आपको बैटरी देखने मिलेगी, साथ ही में एक आपको यहाँ पे 40.5 किलो वाट की यहाँ पे आपको बैटरी देखने मिलेगी, जो भाई सेगमेंट के हिसाब से आपको देखने मिलेगी। टोटल इसमें आपको 9 सेगमेंट देखने मिलेंगे, जिसमें आपको 5 में 30.5 किलो वाट की बैटरी देखने मिलेगी, और सिर्फ 4 वेरियंट में ही आपको टाटा वाले 40.5 किलो बैटरी की आपको यहाँ पे देंगे। साथ ही में अगर बात की जाए इसके चार्जिंग पर, आपको 2 चार्जर इसमें देखने मिलेंगे जो अलग अलग वॉट के हो गए। जहाँ पे सबसे अगर बात की जाए रेंज की, तो यहाँ पे आपको 2 रेंज टाटा नेक्सॉन ईवी में देखने को मिलेगी, जहाँ पे 365 किलोमीटर और यहाँ पे आपको 465 किलोमीटर की यहाँ पे आपको 2 रेंज देखने को मिलेगी, जो भाई दोनों आपको बैटरी ऑप्शन के साथ में अलग अलग आपको रेंज यहाँ पे टाटा वाले प्रोवाइड करेंगे। साथ ही में अगर बात करें इसमें और क्या क्या खास मिल जाता है ओल्ड टाटा नेक्सॉन ईवी से, यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लीयरेंस 190 mm की मिल जाती है। तो भाई इन साइड में यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाती है, जो कि इस कार को काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देती है। भाई नाइट के समय पे अगर आप इसका विजुअल देखेंगे तो वो आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव मिलेगा। फ्रंट साइड में आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, और एज कम्पेयर टू यहाँ पे आपको फुल्ली LED सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे आपको हेलोजन LED लाइट मिल जाते हैं, और फॉग लैंप भी आपको LED देखने को मिल जाते हैं, जो आपको नॉर्मल टाटा नेक्सॉन में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन साथ ही में बात की जाए फ्रंट साइड में, यहाँ पे आपको बम्पर वाइज थोड़ा डिफरेंस मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल टाटा नेक्सॉन। यहाँ पे आपको इस तरीके से क्रोम का वर्क देखने मिलेगा, ये सारे मेटल्स हैं जो आपको क्रोम के यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। फ्रंट साइड में आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको 360 पार्किंग कैमरा भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि भाई यहाँ पे आपको टाटा नेक्सॉन ईवी में ऑफर किए जाएंगे। और साथ ही में अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल भी आपको काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छी मिलेगी, मस्कुलर बॉडी शेप आपको देखने मिलेगा। वहीं यहाँ पे अगर बात की जाए इसके अलॉय व्हील की, तो यहाँ पे आपको इसमें फ्रंट साइड में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं, विद वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक के साथ में मिल जाते हैं, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छे वही सेम डिजाइन के आपको अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे जो टाटा नेक्सॉन में देखने को मिलते हैं। और साथ ही में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको ईवी की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे साइड में आपको 360 वाला पार्किंग कैमरा मिल जाता है, ORBM पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको खास बात, यहाँ पे आपको वही भाई पियानो फिनिश की एक काफी बड़ी लाइन मिल जाती है, जो एंड लाइन को कनेक्ट करती है A+ to C+। साथ में बात की जाए तो इसमें आपको कोई भी क्रोम के डोर हैंडल देखने को नहीं मिलते, और इस तरीके से यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। और यहाँ पे अगर बात की जाए बैक साइड में, तो बैक साइड में आपको टाटा नेक्सॉन ईवी में भाई वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक बैक साइड में भी आपको मिलते हैं, जो कि भाई नॉर्मल टाटा नेक्सॉन में सिर्फ आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। अब अगर इसकी बैक साइड की बात करें, और यहाँ पे आपको रूफ रेल भी देखने को मिल जाता है, और साथ में एंटीना आपको देखने को मिल जाता है। अगर बैक साइड की बात करें तो बैक साइड भी आपको एजिटेड सेम ही देखने को मिलेगा नॉर्मल टाटा नेक्सॉन ईवी जैसा, जहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लाइट देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे नेक्सॉन पॉइंट ईवी की आपको बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पे आपको ये रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। और साथ ही में बात की जाए इसमें आपको डिफॉगर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे बैक साइड में रियर वाइपर देखने को मिल जाता है, और साथ ही में यहाँ पे आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भाई आपको स्पॉइलर देखने को बैक साइड में मिल जाता है, और साथ ही में दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, और बैक साइड में भी आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बैक साइड का जो बम्पर है वो आपका न्यू डिजाइन का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा इसका एक्सटीरियर, आप चल के देखते हैं इसके इंटीरियर में आपको क्या क्या खास मिल जाता है। तो आइए चल के देखते हैं। देखा कि भाई टाटा नेक्सॉन का आपको एक्सटीरियर किस तरीके से मिलता है, आप चल के इसका इंटीरियर देखते हैं कि आपको इसका इंटीरियर आपको कैसा देखने को मिलता है टाटा नेक्सॉन ईवी का। तो भाई सबसे पहले अगर बात की जाए तो की आपको वही एजिटेज सेम देखने को मिलेगी जो आपको टाटा नेक्सॉन में देखने को मिलती है, लेकिन भाई यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे आपको ये बटन आप प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको इतने अच्छे तरीके से भाई नाइट के टाइम में आपको बढ़िया व्यू आएगा देखने को, जहाँ पे आपको कनेक्टेड यहाँ पे फ्रंट साइड की LED लाइट डे टाइम जलेंगी, तो भाई आपको काफी ज्यादा अच्छा फील और व्यू आने वाला है, जो कि भाई मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। जहाँ पे आप इसको बटन को फिर से प्रेस करेंगे, और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये पूरी तरीके से लाइट पूरी तरीके से बंद हो जाए। आप चल के देखते हैं भाई इसका इंटीरियर आपको कैसा क्या मिलता है। देखो फ्रंट साइड में आपको यहाँ पे वेलकम एंट्री देखने को मिल जाती है,
और यहाँ पे अगर बात की जाए ड्राइवर साइड के डोर में तो क्या मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्विटर मिल जाता है जो आपको JBL का स्पीकर देखने मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको बड़ा स्पीकर JBL का देखने मिलता है, साथ ही स्पेस मिल जाती है, और यहाँ पे पियानो फिनिश वर्क की यहाँ पे आपको एक लाइन मिलती है जिसमें आपको चारों पावर विंडो कंट्रोल मिल जाता है, सेंट्रल लॉकिंग भी यही आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही में आप इसका इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर आपको कुछ इस तरीके से व्यू आने वाला है, आप तो चल के देखते भाई अंदर से आपको कैसा क्या आने वाला है। अगर बात की जाए इसके इंटीरियर में तो ड्राइवर साइड में आपको वही सेम देखने मिल जाता है जो आपको नॉर्मल टाटा नेक्सॉन में देखने मिलता है, जहाँ पे आपको फ्रंट साइड में वेंटिलेटेड क्राउड ड्राइवर और ड्राइवर साइड में देखने को मिल जाता है, हाइट एडजस्टेबल का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा अच्छा, यहाँ पे अगर बात की जाए क्वालिटी आपको काफी ज्यादा अच्छी मिलेगी टाटा नेक्सॉन ईवी में, जो आपको हर कारों में देखने को मिलती है। साथ ही में फाइनली आ चुके हैं टाटा नेक्सॉन ईवी के इंटीरियर में, यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में आपको क्या क्या खास मिल जाता है तो आइए देखते हैं। जहाँ पे सबसे पहले जैसे ही हमें यहाँ पे कार का यहाँ पे इग्निशन ऑन करेंगे तो भाई इस तरीके से यहाँ पे आपको व्यू देखने मिलेगा, और यहाँ पे अभी हम इसका FM बंद कर दें, जहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से मिलेगी, और रेंज यहाँ पे आपको 185 किलोमीटर की यहाँ पे दिखा रही है, और साथ ही में यहाँ पे बैटरी परसेंटेज भी 49% आपको शो कर रही है। जहाँ पे सबसे पहले AC इसकी डाउन कर लें, ये देखिए यहाँ पे आपको काफी बड़ी यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो 10.25 इंच का यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। साथ ही में बात की जाए तो यहाँ पे स्टीयरिंग भी आपको काफी ज्यादा सॉफ्टनेस फील होगा, जिसमें आपको लेदर फिनिश का वर्क देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे आपको पेडल देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको डिजिटली टाटा का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, और साथ ही में बात की जाए तो यहाँ पे आपको सेंट्रल जो है यहाँ पे आपको पूरा सेमी टच देखने को मिल जाता है। साथ ही में बात की जाए तो यहाँ पे आपको 3 मोड मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली पावर का आपको मिल जाता है हैंडब्रेक, जो आपको मैनुअली नहीं मिलता इलेक्ट्रिकली मिलता है, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको लेदर फिनिश का वर्क देखने को मिल जाता। तो भाई अगर बात की जाए और यहाँ पे आपको बहुत सक्सेस भी टाटा नेक्सॉन ईवी में देखने को मिल जाता। साथ ही में इसकी कूल ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता जो आपको नॉर्मल टाटा नेक्सॉन में भी देखने को मिल जाता है। साथ ही में बात की जाए तो यहाँ पे आपको डे नाइट ऑटोमेटिक रियर मिरर देखने को मिल जाता है, इस तरीके से यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिल जाती है, और साथ ही में बात करें तो यहाँ पे आपको वन टच आपको इस तरीके से ये देखिए सनरूफ देखने को मिल जाती है, और साथ ही में यहाँ पे आपको ब्लू लाइन कनेक्टिविटी मिल जाती है, SOS मिल जाती है, इमरजेंसी कॉल का सिस्टम मिल जाता है। तो भाई ये था हमारा फ्रंट साइड में, और यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक वायरलेस फोन चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, एक आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको इतनी अच्छी सी यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पे आपको 12 वोल्ट फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, और यहाँ पे टाइप सी 45 वोल्ट का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो ये था हमारा फ्रंट साइड में, आपको कैसा लगा? तो भाई अब हम लोग चलते देखते हैं इसके सेकंड रो में आपको क्या क्या खास मिल जाता है, तो आइए चल के देखते हैं। सेकंड रो की बात करें तो जैसे हम लोग यहाँ पे इसका सेकंड रो का डोर ओपन करेंगे तो डोर भी आपको एजिटे सेम देखने मिल जाता है, यहाँ पे आपको लेदर फिनिश का वर्क मिलता है, क्रोम आपको डोर हैंडल मिल जाता है, पियानो फिनिश का यहाँ पे वर्क मिल जाता है, और एक पावर विंडो का आपको कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे आपको वाटर रखने की स्पेस मिल जाती है, JBL का एक बड़ा सा स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है, और साथ ही में यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्विटर स्पीकर भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में बात की जाए तो यहाँ पे स्पेस भी आपको काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है। सेकेंड रो में भी यहाँ पे भी आपको वेट असिस्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा फीचर्स लगा। अब चल के देखते भाई स्पेस कैसे क्या मिल जाती है। जहाँ पे अगर बात करें स्पेस की तो यहाँ पे स्पेस आपको काफी ज्यादा अच्छी मिल जाएगी, यहाँ पे हम लोग जैसे भी यहाँ पे बैठे हैं तो आपको फ्रंट के मुकाबले में काफी ज्यादा अच्छी स्पेस मिल जाती है, और साथ ही में यहाँ पे आपको AC रियर AC मिल जाती है, 45 वाट का यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, और एक खास बात यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद ग्लव बॉक्स के साथ में, जो आप इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे बात की जाए तो भाई वेट असिस्ट वाला आपको सेंसर देखने को मिल जाता है सेकंड रो में, जो बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छी बात लगी। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक डोर हैंडल से यहाँ पे मिल जाते पकड़ने के लिए, तो भाई सेकंड रो में भी आपको काफी अच्छी चीजें मिल जाती हैं, और यहाँ पे भी आपको थर्ड रो में एक एयरबैग यहाँ पे भी देखने मिल जाते हैं दोनों साइड में और मिल जाते हैं। आप चल के अगर बात करें इसमें बूट स्पेस कैसे क्या मिलती है तो आइए चल के देखते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं टाटा नेक्सॉन के बैक साइड में, तो भाई यहाँ पे अगर बात करेंगे कि यहाँ पे बूट स्पेस आपको कैसे क्या मिल जाती है, जैसे यहाँ पे हम लोग डोर ओपन करेंगे भाई काफी ज्यादा वजन फील हो रहा है, तो भाई ये आपको भाई इसमें किट देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको 350 लीटर की आपको यहाँ पे बड़ा सी बूट स्पेस देखने मिल जाती है, जो थोड़ी बहुत और इंक्रीज होनी चाहिए था। और यहाँ पे भी आई आपको बड़ा सा स्पीकर देखने को मिल जाता है JBL का, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और बैक साइड में यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी एक आपको चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है, और साथ ही में यहाँ पे भी आपको हुक देखने को मिल जाते हैं। तो भाई ये थी हमारी टाटा नेक्सॉन 2023 EV
फेसलिफ्ट, जिसकी अगर बात की जाए तो भाई अपने भाई इतने कम प्राइस में आपको काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको मिल जाती है। और एक खास बात यहाँ पे आज जैसे इसके ये देखना, ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, मतलब वन टच में आपकी कार की टेल लाइट और हेड लाइट दोनों आपको कनेक्टेड मिलती है और यहाँ पे इस तरीके से नाइट के समय पे आपको व्यू आने वाला है। तो भाई ये थी हमारी 2023 टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट, आपको कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।